गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर लास्ट क्लास देयर वी लर्न अबाउट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ्स देयर वी सॉ प्रोडक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एग्स बाय फीमेल सिल्क मॉथ ऑन मलबेरी लीव्स आफ्टर दैट हैचिंग ऑफ लार्वा एंड आफ्टर दैट formation of cocoon. Actually, silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. Now, there are different varieties of silk. Due to this silk moths which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. Here texture means appearance of silk fibers, that is coarse, smooth, shiny, etc. On behalf of this, types of silk is produced by silk moth. Number one is Tasar silk, number two is Muga silk, and third one is Kosa silk. But remember, most common silk moth is the mulberry silk moth. Actually, these three varieties are different to each other due to type of leaves this kind of silk moths eat. That means, ये जो अलग-अलग नाम जो है, these names are different because जो silk moth है, वो अलग-अलग type की पत्तियों को खाते हैं. साल की पत्तियां भी खाते हैं और अर्जुन की पत्तियां को भी खाते हैं. शहतूत की पत्तियों को भी खाते हैं. मालवेरी का मतलब है यहाँ पर शहतूत की पत्तियां. जो सिल्क मॉथ शहतूत की पत्तियों को या मालवेरी सिल्क को सिल्क मालवेरी पत्तियों को खाते हैं उस वैरायटी का सिल्क को हम लोग बोलते हैं सिल्क मॉथ. नाउ द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ मॉथ इज सॉफ्ट लस्ट्रस एंड इलास्टिक इन नेचर. These are the three basic nature of silk fiber. What is that? What is this? This is soft, lustrous and elastic. That is why these fibers can be dyed in beautiful color. इस प्रकार उन तंतुओं को क्या किया जाता है? अलग-अलग रंगों में रंगाई किया जाता है. Now, discovery of silk. किस प्रकार सिल्क की खोज हुई? मान्यता है कि सिल्क वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय चाइनीज एम्प्रेस सी लंगची. वो शायद किसी गार्डन में बैठी हुई थी और उसके कप ऑफ टी में एक कोकून गिर गया था और उससे थ्रेड निकलने लग गया था, ये मान्यता है. बट वेरी स्ट्रेंजफुल दैट This secret was kept a closely guarded. इसको बिल्कुल कई सौ सालों तक छुपा कर रखा गया ताकि इस डिस्कवरी का श्रेय कोई दूसरा जो है देश ना ले पाए. But later on, traders and travelers introduced to another countries. लेकिन वो जो business class के जो people है, जो इस प्रकार के silk cloths को लेकर अलग-अलग शहरों में अलग अलग देशों में आए थे, उन्होंने सीक्रेट्स को उन देशों में जाकर खोल दिया और इस प्रकार जो सिल्क है वो अलग अलग देशों में भी प्रोड्यूस होने लगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. कैसे सिल्क को तैयार किया जाता है? कोकून तो फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है, बट हाउ? तो ए पाइल ऑफ कोकून, पाइल मीन्स काफी सारा, ढेर सारा जो कोकून है दैट आर केप्ट अंडर बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी में उनको डाल दिया जाता है या फिर गर्म भाप में उनको रख दिया जाता है. इस प्रकार वो स्लोली क्या होता है, उसमें से थ्रेड निकलने शुरू हो जाता है. नाउ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रिलिंग. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कोकून से थ्रेड निकलने लगता है एंड दैट थ्रेड इज
used to weaving different types of clothes are known as reeling. Now these fibers are then spun into threads. इन्हीं fibers को फिर से क्या करते हैं? Loom में spun करके क्या बनाया जाता है? Silk cloth को बनाया जाता है. और कौन बनाता है वो? Weavers means जुलाहे, जो कपड़ों को तैयार करते हैं. Thank you.